हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है टोपेक्स डीएक्स सिरप। तो टोपेक्स डीएक्स सिरप का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, इसका प्राइस, इसके यूजेज और इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं इस बताने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए टोपेक्स डीएक्स सिरप का रिव्यू शुरू करते हैं। तो टोपेक्स डीएक्स सिरप जो बेसिकली आपको दिया जाता है वो ड्राई कफ में दिया जाता है, कोल्ड में दिया जाता है और सोर थ्रोट में दिया जाता है, जैसा कि प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है। तो क्वांटिटी जो इस प्रोडक्ट की आ रही है वो आ रही है 60 ml, और जो इसका प्राइस आया है मार्केट में जो मिल जाएगा आपको वो मिलेगा अराउंड 55 rupees में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर आप फार्मास्यूटिकल से परचेज करते हैं। ऑनलाइन भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, 1 mg पे अवेलेबल है, नेट मेट्स पे अवेलेबल होगा ये प्रोडक्ट। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है वो है फरवरी 2018 और जो इसकी एक्सपायरी आ रही है वो आ रही है जनवरी 2020। तो ऑलमोस्ट 2 साल की एक्सपायरी के साथ आ रहा है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये प्रोडक्ट आ रहा है। ओजोन फार्मेसी का ये प्रोडक्ट है और शुगर फ्री है, तो शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको टोपेक्स डीएक्स सिरप की डोसेज के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है कि जो अडल्ट है वो 5 ml टेबलस्पून लेंगे इसका, और 4 times इसको लेना है दिन में। क्वांटिटी जो होगी वो 5 ml होगी, और जो चिल्ड्रन है अबव 6 years वो लेंगे इसकी हाफ क्वांटिटी, मतलब 2.5 ml, आधा टी स्पून लेंगे, 4 times लेनी होगी इसको। और जो बच्चे हैं 2 से 6 साल के वो 1.25 ml का टीस्पून सिरप लेंगे और 4 times इनको भी लेना है। और जैसा इसके ऊपर मेंशन है इसको आपको स्टोर करना है थोड़े ठंडी जगह पे, और इसको रेफ्रिजरेटर में मत डालेगा, रेफ्रिजरेटर में मत डालेगा, और थोड़ी धूप से दूर और लाइट से थोड़ा दूर। तो टोपेक्स डीएक्स सिरप का जो मैंने यूज किया है वो बेसिकली मुझे सोर थ्रोट की प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको परचेज किया है। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाता है, और अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको परचेज करना चाहें तब भी आप इसलिए इसको इजीली परचेज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल से या ऑनलाइन। तो बेसिकली ड्राई कफ के लिए यूज होता है, अगर आपको बलगम वाली खांसी नहीं है, आपको कंजेशन है उसमें इस्तेमाल होगा इसका, आपके थ्रोट में कोई इरिटेशन है, आपकी थ्रोट में गले में कुछ जल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्नीजिंग हो रही है या आपकी नाक बह रही है, रनिंग नोज है, तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं। और साइड इफेक्ट में यही है कि कई लोगों को इसमें नींद ना आना या फिर स्टमक में पेन होता है, और कई लोगों को चक्कर की प्रॉब्लम रही है। तो इसको अगर आप क्वांटिटी में लिमिटेड लेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा, बस आपको इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है, इसको लिमिटेड क्वांटिटी में इसका इंटेक करना है, 4 बार से ज़्यादा इसका इंटेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। इजीली अवेलेबल मार्केट में, तो किसी की बात की ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप दोबारा परचेस करना चाहे तो फार्मास्यूटिकल्स पे अवेलेबल नहीं होगा, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं इस प्रोडक्ट को जो रेट करूँगा वो करूँगा 4 out of 5। मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया है, मेरे को सोर थ्रोट की प्रॉब्लम थी तो उसमें काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट आया मेरे सामने। इसको यूज़ करने के बाद मैंने इसे ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन इसका पूरी तरह इस्तेमाल किया है। ये पूरा सिर्फ अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा। तो अगर आप इसी टाइप के और रिव्यूज देखना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या इसी प्रोडक्ट के बारे में कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं एज सून एज पॉसिबल उस कमेंट को पढ़ के आपका आंसर करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।